बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की वर्स्ट कंटेस्टेंट सबसे जलने वाली बेबिका ध्रुवे को एक बार फिर मिला कर्मा। आकर खुद की कर्मा ने किया हिट, बेबिका का सबके सामने बन गया तमाशा। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस के घर में मनीषा को लेकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी बेबिका, लेकिन मनीषा का जो नेचर है वो सभी को पता है। मनीषा ने बेबिका तो छोड़ दीजिए, जिया हो, पूजा हो, फुकरा हो, कोई भी हो, किसी को भी नेगेटिव रिएक्ट आज तक नहीं किया है। बिग बॉस से निकलने के बाद कभी किसी को पोक नहीं किया है मनीषा ने। लेकिन मनीषा के साथ साथ अभिषेक को बार बार अभिषेक को निशाने पर लेने वाली मनीषा को टारगेट कर देती थी। हम हर बार लोगों ने देखा है किस तरीके से बेबिका मनीषा के पॉपुलैरिटी से जेलस है। और आज भी मनीषा की जो पॉपुलैरिटी है, मनीषा जितनी बड़ी स्टार बन चुकी हैं, बेबिका कितनी जलती हैं मनीषा से ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस समय बेबिका को इतना बड़ा कर्मा मिला है, ये बहुत फनी है। लेकिन बेबिका जी के लिए एक सीख है कि बेबिका को दूसरों से जलन करना छोड़कर अपने आप को आगे बढ़ना कैसे है ये सोचना चाहिए। बेबिका ध्रुवे दरअसल एक यूट्यूब चैनल भी चलाती है, उनका एक यूट्यूब चैनल है, भले ही उस पर व्यूज़ ना आते हो, 8-10 हज़ार व्यूज़ आते हों, लेकिन बेबिका जी ने सभी को देखकर, एल्विश को देखकर, मनीषा को देखकर, अभिषेक को देखकर अपना भी व्लॉगिंग चैनल शुरू कर लिया। बस फिर क्या था, बेबिका जी ने हायर कर लिया एक एडिटर को, और एडिटर ने सबके सामने भाई साहब बना दिया है तमाशा बेबिका ध्रुवे का। अब मैं यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। ये स्क्रीनशॉट है बेबिका के खुद के चैनल का, जहाँ पर आज कम्युनिटी में बेबिका ध्रुवे के एडिटर ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया जिससे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। यहाँ पर बेबिका ध्रुवे के एडिटर ने लिखा, बेबिका को कोई मत देखो, इसका व्लॉग बहुत फालतू होता है और ये दूसरे को फालतू बोलती है। इसको इतने महीने से देख रहा हूँ, सबसे जलती है, मैं जानता हूँ ये मनीषा और फुकरा सबसे ज़्यादा जलती हैं, एल्विश भाई इसलिए इसको सपोर्ट किए क्योंकि वो पूजा भट्ट को लाइक करती हैं। अब बस इसके आगे एक और पोस्ट एडिटर ने लिखा और लिख दिया कि मैं 4,000 रुपये में मैं इसके पास काम करता हूँ, लेकिन इसको कुछ भी नहीं आता है, मुझे एडिटिंग सिखाती है लेकिन इसको एडिटिंग का ई तक नहीं आता है। तो ये जो बेबिका और इनके एडिटर की जो बीच की पर्सनल लड़ाई थी वो सोशल मीडिया पर आ गया। बाद में बेबिका ने इस पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन एडिटर ने एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार लिखा, तुम पोस्ट डिलीट ही कर सकते हो, मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते, अब तुम होगे एक्सपोज। तो भाई साहब, मतलब एडिटर ने इतना खतरनाक काम कर दिया कि बेबिका जी की हर तरफ चिताएं बज रही हैं, तमाशा बन गया है बेबिका ध्रुवे का। अगले एक और पोस्ट में लिख दिया, फुकरा और ट्रिकट भाई मैं आ रहा हूँ जल्दी दिल्ली, एक साथ करेंगे इसको बोटी बोटी को एक्सपोज। तो बेबिका के जो एडिटर हैं वो इतना ज़्यादा नाराज़ हैं बेबिका से कि उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर जिस तरीके का पोस्ट किया है, एक तरफा बेबिका की हर तरफ बोटी बोटी और चटनी चटनी बन गई है। मनीषा रानी को लेकर जो फालतू की बातें सभी को पता है कि बेबिका करती रहती हैं, अभिषेक को टारगेट करना हो, मनीषा को टारगेट करना हो, खास करके बेबिका की नज़र में मनीषा, इसीलिए मनीषा से जलन है क्योंकि मनीषा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। बेबिका आज वही है, बेबिका को ना ही पूजा भट्ट की फिल्में मिली ना ही म्यूज़िक वीडियो चला, लेकिन आज मनीषा रानी इज़ रूलिंग लाइक अ क्वीन। यही वो बड़ी वजह है कि बेबिका को आज कर्मा मिला है, और वैलेंटाइन डे के दिन जो तमाशा बेबिका का बना है वो शायद ही किसी का बन सकता है। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन इस फनी मोमेंट पर, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।